हेलो, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हब। आपके इसका चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में दुर्गा पंडाल और जो वेस्ट बंगाल में बनाया गया है आसनसोल का जो फेमस पंडाल है। हर एक पंडाल को मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका दृश्य दिखा रहा हूँ। आपको कैसा लगेगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें भी खुशी होगी और हमें सपोर्ट मिलेगी ताकि मैं आपको अच्छे से वीडियो बनाते रहूँगा इस चैनल पे। तो देखिए आपका यहाँ पर जो नज़ारा है पंडाल का, काफ़ी लाइटिंग है, डिजाइन वगैरह किया गया है फूलों से, इस दृश्य का काफ़ी अच्छा लगा है। ये पूरा हाथ से, पूरा हाथों से डिजाइन किया गया है। आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा। और यहाँ का जो काफ़ी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग वगैरह किया गया है जिसे आप देख रहे हो, और पंडाल का जो यहाँ का तो पंडाल का बात ही अलग है, डिजाइन का, मूर्ति का, प्रतिमा का जो डिजाइन वगैरह किया जाता है काफ़ी अच्छा किया जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने को भी। तो आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी अमिस ये स्कूल का एक पंडाल है, स्कूल में बनाया गया है, स्कूल प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है। और ये हाई स्कूल का जो बरांडा होता है, बरांडा पर ही अमिस काफ़ी एट्रेक्टिव में बनाया गया है। आप देख रहे होंगे स्कूल का नज़ारा है और स्कूल के जो मेन गेट पर होता है ना, गेट पर ही बनाया गया है, छोटा सा नज़ारा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पंडाल बड़ा पंडाल नहीं है, सिर्फ बाहर से और गेट को डेकोरेशन किया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है पंडाल। ये प्राइस है वगैरह इस पंडाल को मिल चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ तो प्रतिमा काफ़ी देखिए आपको लग रहा होगा, ऊपर दीवार दिया हुआ है क्योंकि स्कूल का जो ग्राउंड है, स्कूल ग्राउंड पर भी बनाया गया है। देखिए काफ़ी मूर्ति का तो डिजाइन का काफ़ी बात ही अलग है। चलिए मैं दोस्तों के साथ और आया हूँ, किस किस के साथ आया हूँ आप देख ही रहे होंगे। और मैं वीडियो में साथ सबके साथ नहीं बना पाया तो इसलिए मैं फ़ोटो ही ले लिया हूँ। फोटो को अब मैं इसमें दिखा दूँगा। और देखिए गौतम बुद्ध का जो प्रतिमा पंडाल में बनाया गया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो बुद्ध वगैरह आपको कैसा लग रहा है हमको जरूर बताइए। आप वेस्ट बंगाल में आ रहे हो, आप नहीं आए हो या आना चाहते हो तो देख सकते हैं आपको कैसा यहाँ का पंडाल लग रहा है, अगर हम जरूर बताइएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में तो कोई बात नहीं है, देखिए यहाँ का जरूर मतलब देखे होंगे तो जरूर पता होगा। अगर बाहर से आ रहे हो, बाहर से दिख रहे हो वीडियो, बाहर के आप आदमी हो, वेस्ट बंगाल से बाहर से हो तो आप जरूर देखिएगा इस पंडाल को, काफ़ी अच्छा नज़ारा लगता है। और यहाँ तो सतमी से स्टार्ट हो जाता है सारा इस पंडाल वगैरह घूमना को, और काफ़ी भीड़ रहती है दुर्गा पूजा में, तो प्रतिमा भी अच्छी मनाई जाती है। काफ़ी चलिए एक छोटा सा झलक आपको दिखा दो झलक। कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको ये वीडियो ढोलक का, इस वीडियो का जो ढोलक बजाते हुए वीडियो को कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और आपको चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा और आपका मनोरंजन करता रहूँगा। कितना अच्छा दिखा रहा है। तो यहाँ छोटा सा पंडाल और छोटा सा मेला लगा हुआ है, हम सोचे चलो दोस्त लोग के साथ घूम लूँ और बता दूँ कि किसके साथ घूम रहा हूँ।
पंडाल ज़्यादा नहीं है, दो चार तीन चार फ्रेंड है, इसी के साथ घूम रहा हूँ। तो आप भी अकेले भी घूम सकते हो और दोस्त लोग के साथ भी घूम सकते हो। तो हम लोग के साथ घूमने को काफ़ी अच्छा लगता है, तो साथ में अकेले घूमना तो अच्छा लगेगा नहीं, तो साथ में किसी के साथ घूमने तो और अच्छा लगता है। बातें करते करते घूमते रहो और क्या। चलो अब मैं यहाँ चाट खाऊँगा, चाट काफ़ी अच्छा बनाता है, तो चलो खा करके। चलो मैं ऑलरेडी चाट खा चुका हूँ और दूसरे पंडाल में आया हूँ, यहाँ मशरूम। अब मशरूम जानती ही होंगे, ये अब सरे गरे मिस पदार्थ होते हैं, उस पर मिस पनपते हैं, तो उसका एक छोटा सा झलक मिस अच्छी से झलक बनाया गया है, लाइटिंग वगैरह करके काफ़ी अच्छा बनाया गया है, आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ तो काफ़ी भीड़ लग रही है, देखिए, और काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है। लाइटिंग जब पंडाल पे आता है तो देखने लाइट रहता है, आपको कैसा लग रहा है लाइटिंग, लाइटिंग पे पंडाल कैसा लग रहा है जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और देखिए मशरूम को काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है, मशरूम का लाइटिंग देने से तो यार काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, लगता है कि मैं इस नज़ारा को देखता ही रहूँ। और आप वेस्ट बंगाल में आए आइएगा, जो इस नज़ारा को देखिएगा कि आपको कैसा ये नज़ारा लग रहा है, कैसा ये पंडाल लगा। अगर आप इस वीडियो में देख रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, या आप जा करके देखे होंगे, तो हमें जरूर बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आप इस प्रतिमा का अंदर की ओर नज़ारा देख ले, ये झाल बनाया गया है मिस लाइटिंग का और मशरूम का, देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा बनाया गया है। फॉर्म जो डिजाइन किया गया है ना, सारा फॉर्म का ही कमाल है, सारा फॉर्म से ही बनाया गया और हाथों से ही बनाया गया, एक भी मशीन का इसमें काम नहीं है और सारा हाथों का काम है और फॉर्म से ही बनाया गया है। जो मशरूम बनाया गया है, मशरूम ये फॉर्म से बनाया गया है और फॉर्म पर ही डिजाइन को एक्टिव किया गया है, कलरिंग किया गया है। और यहाँ का जो प्रतिमा है, प्रतिमा का भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, प्रतिमा का डिजाइन बहुत अच्छा बनाया गया है। माँ दुर्गा का प्रतिमा काफ़ी अच्छा लग रहा है, मिस वाइटिंग वाइट में है और मशरूम कलर में है, और मशरूम पीछे बैक में मशरूम दिया गया।